संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को पूर्व मंत्री तेज प्रताप के सुदर्शन चक्र वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बिहार शरीफ के साठोपुर गांव में अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास भी किया। उन्होंने तेज प्रताप पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि पिछले चुनाव में जब उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया तब उनका सुदर्शन चक्र कहाँ था। बता दें कि हरनौत प्रखंड के श्यामनगर की एक सभा में तेज प्रताप ने सुदर्शन चक्र चलाने की बात कही थी। ये अभी तो लोकसभा में उनका सुदर्शन चक्र पता नहीं फेल हो गया, उस समय सुदर्शन चक्र उनके हाथ में नहीं होगा। बिहार में और बिहार की जनता ने उनके शासन को 15 साल के शासन को देखा है और किस तरह से बिहार बदहाल हो गया था। बिहार के लोग बिहार से बाहर बिहारी कहलाना मुनासिब भी नहीं समझते थे। वो दिन लोगों को याद है और यह दिन भी याद है नीतीश कुमार जी के 15 सालों का शासन, कि यहाँ पर हर गांव में चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का मानने वाला व्यक्ति किसी गांव में रहता हो, उनके यहाँ नली का निर्माण हो रहा है, गली का निर्माण हो रहा है, घर में नल का पानी पहुँच रहा है, हर घर में शौचालय का निर्माण हो रहा है और हर घर में बिजली पहुँच रही है बगैर भेदभाव का। वैसे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है। गैर जिम्मेदाराना बयानों के लिए भी तेज प्रताप मशहूर हैं। अनाप शनाप बयानबाजी के कारण कभी कभी उनकी स्थिति हास्यास्पद भी होती जा रही है। ओंकार आवामी के लिए नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट। राजधानी पटना से सटे बेहटा के अमहारा स्थित आईआईटी कैंपस में 3 दिवसीय अन्वेषा फेस्ट का आगाज शनिवार को हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे और आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर किया। आईआईटी के छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। आईआईटी के निदेशक प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य ने डीजीपी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आईआईटी के छात्रों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने उनसे नशे से दूर रहने की अपील की और कहा कि नशा मानव मस्तिष्क को विकृत कर देता है और जब मस्तिष्क विकृत होता है तो आदमी के सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसे में आदमी के साथ ही समाज और देश का विकास रुक जाता है। ये बिहार में ऐसा प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, देख करके बहुत अच्छा लगा। बच्चों से बात करके, उनसे इंटरेक्शन करके अच्छा लगा, उनका डिसिप्लिन देख करके अच्छा लगा, डायरेक्टर साहब को फैकल्टी मेंबर से मिल करके बहुत अच्छा लगा। हम तो पुलिस वाले हैं, हम लोगों को ऐसा मौका कहाँ मिलता है ऐसे लोगों के बीच में आने का। मैंने शराबबंदी पर लोगों को बताया कि शराब पीने से या नशा का सेवन करने से आदमी की चेतना में गिरावट होती है, उसका नैतिक पतन होता है, चारित्रिक पतन होता है, आध्यात्मिक पतन होता है, जिससे बच्चों को, नौजवानों को, किशोरों को हर तरह के नशे से दूर रहना चाहिए, तभी एक नई पीढ़ी का निर्माण होगा, नए देश का। इस तरह किसी बड़े पुलिस अधिकारी का छात्रों के बीच पहुंचना और उन्हें देश और समाज के विकास में योगदान के लिए प्रेरित करना वाकई में सराहनीय है। ओंकार आवामी के लिए बेहटा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट।